अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर अ गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आ गए थे ज़ू में, और जैसा कि हमारे बचपन का जो था होता था चिड़ियाघर या फिर ज़ू, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जानवर थे ही नहीं, और जो थे तो वो ऐसे सोए हुए थे कि लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। वैसे मुझे बहुत दुख होता है कि ये जो नूरजहाँ है ये मर चुकी है, वो भी सिर्फ भूख की वजह से। कि मतलब इतने लोग आते हैं डेली, इतने लोग आते हैं, इतने लोग टिकट लेते हैं, उसके पैसे नहीं होते क्या आप लोगों के पास, जो आप एनिमल्स को भूखा मार रहे हैं? खुदा का खौफ भी नहीं आता। मुझे तो इतना दुख हो रहा था कि जब मैंने इनकी जब ये न्यूज़ देखी कि इस तरह से इनकी डेथ हो गई, सो आई फील वेरी बैड। इसके अलावा हम यहाँ आए थे, बाकी कुछ ख़ास नहीं था, कोई चीज़ बचपन वाली नहीं थी। एक्चुअली बच्चे ज़िद कर रहे थे तो हमने सोचा कि चलें ठीक है, सो खुद का भी अपना बचपन भी जो है वो ताज़ा कर लेते हैं। लेकिन फजूल था यहाँ आना ही और यहाँ का डिसाइड करना ही। इवन कि मैं कहती हूँ कि जिसने मुझसे कहा ना कि यहाँ चलें, उसका ये इरादा भी फजूल था, क्योंकि बहुत ही मज़ा ही नहीं आया। कोई एनिमल्स ही नहीं थे, बस बंदर था और लॉइन टाइगर, ये सारी चीज़ें, ये एनिमल्स थे लेकिन ये सब सो रहे थे, उठे ही नहीं रहे थे। इवन के स्नैक तक सो रहे थे इनके, इनके जो स्नैक्स थे, स्नैक्स कह रही हूँ मैं इनके जो स्नैक थे वो तक सो रहे थे। उनको भी जब हम अंदर गए ना, हमने टिकट ली, जब हम अंदर आए तो उन्होंने ना फिर उसको विंडो से ना स्टिक से उसे उठा रहे थे कि भाई उठ जाओ, लोग तुम्हें देखने आए। कि ये सूरत हाल थी कि सारे जो इनके जानवर थे ना, सभी सो रहे थे। बहरहाल क्या कर सकते हैं, इन अल्लाह ताला इनके दिलों में खौफ डाले, उन्हें खुदा खौफ हो कि नहीं भाई ऐसे नहीं करते। और बस यही सीन था और व्लॉग फिनिश हो गया।